तो जावा यूज करके हम लोग पैटर्न्स बनाना सीखेंगे। और अगर हम पहला पैटर्न ये बनाना चाहें, ठीक है, पहले लाइन में एक ओ है, दूसरे में दो, तीन है, देन चार, ठीक है। पहले हम एक चार्ट बनाएंगे, उसमें रहेगा रो, टैब दबाते हैं हम नंबर ऑफ पोज, ठीक है, कितने हो। अच्छा, पहले रो में एक है और ये भी एक है, दूसरे बच्चे में दो है, ये भी दो है, तीन है, इधर भी तीन है, और चार है, इधर भी चार है, ये खत्म हो गया, ठीक। अच्छा, ये हर एक लाइन पे सेपरेटली आता है, सेपरेट आता है, इसका मतलब हम मान के चल सकते हैं कि ये प्रिंट होने के बाद एक न्यू लाइन कैरेक्टर प्रिंट किया गया है यहाँ पे स्लैश एन, ठीक है, तो इस टाइप का चीज बन के आ गया, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोजेक्ट बना लेते हैं, पैटर्न्स प्रोग्राम का नाम पैटर्न्स ही रखते हैं, एप्लीकेशन बन गया। ठीक है, ये बन गया, यहाँ पे हमें प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, न्यू जावा क्लास, ठीक है, इसका नाम क्या रखेंगे, सिंपल ट्रायंगल, ठीक है, ये कमेंट हटा देंगे यहाँ से, स्टैटिक वॉइड नहीं, ठीक है, इंट एंड एन हमारा नंबर ऑफ रोज है, ठीक है, और जो हम लोगों ने फिगर बनाना है उसके हिसाब से फोर रोज है, देयरफॉर हम इसका नाम रख दिए, इसका पहले रख दिए फोर, ठीक है, कमेंट में लिख देते हैं नंबर ऑफ। पहला काम क्या करना है, हमको एक से चार तक एक लूप चलाना है, और आई एन टी आई इक्वल टू वन, आई प्लस एन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, एक ब्रैकेट शुरू किया, एक ये फॉलो यहां से यहां तक चलता है। इस टाइम क्या करना है, जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार नंबर ऑफ ओस हमको पेंट करना है, पहले लाइन में एक, दूसरे में दो, तीसरे में तीन, चौथे में चार, ठीक है, तो रो वाली लूप हम आई को लेके चला रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल जो है वो आई है, ठीक, तो जब आई वन रहेगा तो एक बार चलेगा, आई टू रहेगा तो दो बार, तीन रहेगा तो तीन बार, तो जनरली हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू आई, आई की जो वैल्यू रहेगी उतने में ही चलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पे आके और int j is equal to 1, j plus n equal to i, j plus plus, why? क्योंकि i की वैल्यू और j की वैल्यू एग्जैक्टली मैच कर रही है। अब j वाले में हम क्या लिखेंगे, j वाले में हमको वो प्रिंट करा देना है, तो हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट, अच्छा यहाँ ध्यान देना है हमको प्रिंटर नहीं लिखना है, प्रिंट लिखना है, ठीक है, प्रिंटर ने लाइन चेंज कर देगा, और जब ये लाइन पूरा हो जाएगा, जब उस पर्टिकुलर रो का सब प्रिंट हो जाएगा, तब एक बार लाइन चेंज हो जाना चाहिए एंड में जाके, तो यहाँ पे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर ने देखते हैं, ब्लैंक छोड़ देंगे, सिर्फ लाइन चेंज करने के लिए, ठीक है, दिस लूप इज फॉर नंबर ऑफ रोज,
and this is for number of copies. Run container. Here's an order. डायरेक्टली फिट कर रखा है, अगर आप स्कैनर से इनपुट लेना चाह रहे हो, ठीक है, तो स्कैनर is a continuing scanner. System dot I. ठीक है, एक statement लिख देते हैं यहाँ पे, prompt please enter the number of rows. ठीक है, और int n की जगह हम लिख देंगे s dot next int. ठीक है, अगेन रन करेंगे नंबर एंटी. अब यहाँ पे अगर हमने 3 दे दिया तो 3 बार चले. ठीक है, अगर हमने यहाँ पे 5 दे दिया या 6 दिया चले. ये सबसे सिंपलेस्ट पैटर्न है, इधर से इधर चेक के आगे. हम मानते हैं कि हमको एक सपोज करते हैं कि हम लोग को ऐसा पैटर्न चाहिए. ठीक है, यहां से स्पेस, अब स्पेस ऐसा दिखेगा नहीं, इसलिए स्पेस को डिनोट करने के लिए हम यहाँ पे हैश लगा दे रहे हैं. Then, वो है. फिर ठीक है, क्या बोलते हैं, और ठीक है, लास्ट लाइन में सिर्फ वो बचेंगे. ये यही फिगर है लेकिन टिल्टेड है, इधर से शिफ्टेड है. अब इसका अगर हम पैटर्न लिखना चाहें, दीवार की तरह चार्ट बनाना चाहें, रो आई, ठीक है, नंबर ऑफ, पहले यहाँ पे स्पेस है, स्पेस इज जॉइंटेड बाय हैश, तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्पेसेस. ठीक है, और मानते हैं कि स्पेस के लिए हम जे वाला लूप चलाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू, ठीक है, अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोगों को, देखेंगे. देन नंबर ऑफ है ना स्टार्ट्स. ठीक है, इसके लिए हम एक लूप चलाएंगे के. अब पहले फिगर नोट कर लेते हैं फिर देखेंगे कितना होता है. रोल नंबर वन, रो नंबर में स्पेसेस 3 है, देयरफॉर 3, नंबर ऑफ स्टार 8 है. रो नंबर 2, नंबर ऑफ स्पेस 2 है, नंबर ऑफ स्टार भी 2 है. तीसरे में क्या है, ये 1 है, 3. फोर्थ वाले में ये 0 है. सेव कर सकते हैं, नहीं करेंगे. तो फर्स्ट रो में 3 है, सेकंड में 2 है, तीसरे में 1 है, फोर्थ में 0 है. अगर आप ध्यान दो तो ये रोल नंबर और नंबर ऑफ स्पेसेस का टोटल सेम आ रहा है. 1+3=4, 2+2=4, 3+1=4, 4+0=4.
तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि इसके जगह पे अगर हम इसको, ठीक है, एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ रोज है, तो इस केस में एन इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे अगर हम एन माइनस आई लिखे, ठीक है, तो ये सही आएगा, सब में से माइनस करता जाएगा। हाँ ठीक है, अगर एन माइनस आई का हम यहाँ पे एक टेबल बना दें, ठीक है, तो कितना है, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 पहले रो के लिए, सेकंड के लिए, ठीक है, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, देन 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, एंड 4 माइनस 4 0 है, ठीक है, तो ये सही फिट हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टार्स, इसका वैल्यू वही है जो रो का वैल्यू है, रो 1 में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सेम चीज, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, इंटर नंबर ऑफ रोज पहले की तरह रहेगा, ये भी पहले की तरह रहेगा। इस जगह पे अब हम क्या करेंगे, हम स्पेसेस प्रिंट करेंगे, जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू, जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था एन माइनस आई, जे प्लस प्लस, इंस्टेड ऑफ ओ आप क्या करो, यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट करो, ठीक है, देन फॉर टी चले आई एन टी, टी का लूप चला देंगे, के लेस देन इक्वल टू आई एंड के प्लस प्लस, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या रहेगा, वो रहेगा, एंड दिस इज फॉर नंबर ऑफ स्टार्स, स्टार्स या स्ट्रिप्स जो भी आप बोलना चाहिए, ठीक है। पिछला वाला फिगर ही है, लेकिन अभी इधर से स्पेस से देने का शिफ्ट हो गया। अच्छा, स्पेस के बदले अगर हम हैश प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, और इसको 4 बार चला दे, तो जो हम लोगों ने नोटपैड पे फिगर बनाया हुआ था वो एग्जैक्टली आ जाना चाहिए, ठीक है, ये फिगर यहाँ पे आया, ये फिगर यहाँ पे बनाया, और एक फिगर देखते हैं, ऐसा हो चाहिए, ज्यादा लंबा हो जाएगा, नंबर ऑफ स्पेस बढ़ जाएगा, पहले लाइन में एक वो है, नेक्स्ट में 3 है, नेक्स्ट में 5 है, नेक्स्ट में 7, ठीक है, और नंबर का सीक्वेंस है, ठीक है, 1, 3, 5 एंड 7, ठीक है। इस चार्ट को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, नंबर ऑफ स्पेस क्या हो जाएगा, पहला लाइन में 3 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 1 है, 0 है, स्पेसेस का फॉर्मूला अभी भी सेम है, स्टार का, ठीक है, हाँ, स्टार में क्या है, पहले में 1 है, दूसरे में 3 है, 5 है, फिर 7 है, ठीक है,
ये तो हम पहले से देख चुके हैं। ये सही है सर। ये क्या है? ये है ऑड नंबर का फॉर्मूला, 2 × i − 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2 × 1 − 1। ठीक है, इज इक्वल टू 2 − 1, 1 हो गया। दूसरा 2 × 2 − 1। ठीक है, तो 2 × 2 − 1 हो गया 4 − 1, 3। ठीक है, तीसरा हो गया 2 × 3 − 1, which is 6 − 1, equal to 5 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट भी आ जाना चाहिए, आ जाएगा 2 × 4 − 1, is equal to 8 − 1, equal to 7। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टार्स के लिए जो फॉर्मूला है, ठीक है, that is equal to 2 × i − 1। अब जो पिछला प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया था, इसमें हम बस इतना चेंज कर देंगे, यहाँ पे ये i दिया गया था, फोर माइनस नहीं 2 × i − 1। कंप्लीट प्रोग्राम में हमको कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये फिगर बन के आ गया, ये वही फिगर है जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया। ठीक है, यहाँ से अगर हम हैश हटा दे, स्पेस भी दे, स्लैश एंड पिन करेंगे तो न्यू लाइन पिन कर देगा, स्लैश एंड न्यू लाइन होता है, स्लैश एंड अगर देखेंगे हम। अच्छा, अब अगर हम इस फिगर को उल्टा करना चाहें तो, ठीक है, मान लेते हैं यही फिगर है जो भी हम लोगों ने बनाया था, जस्ट इसका लेकिन रिवर्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, फिगर उल्टा है, ये एग्जैक्टली सेम फिगर है, सेम रहेगा, बस ये फिगर हमने यहाँ पे रिवर्स कर दिया हुआ। तो जब ये प्रिंट हो रहा था तो ये रो नंबर 1 था, ये रो नंबर 2 था, ये रो नंबर 3 था और ये रो नंबर 4 था। अब इधर से अगर हम काउंटिंग करेंगे तो ये रो नंबर 4 हो गया, ये 3 हो जाएगा, बाकी सब तो उसी तरह एडजस्ट हो जाना है। इसका मतलब ये होता है कि जो पहला वाला रूप है इसको जस्ट हम उल्टा चला दे तो काम हो जाएगा, तो i = n, i > 1, i − -, n से शुरू होगा, 1 तक आएगा। यहाँ पे हमने 4 दे दिया, फिगर ठीक उल्टा हो गया। ठीक है, किसी भी फिगर को अगर प्रोग्राम ठीक से बनाया गया है, किसी भी फिगर को वर्टिकली रिवर्स करने के लिए ये ऊपर वाले लूप को जस्ट हम लोग उल्टा कर देंगे तो फिगर हमेशा ही रिवर्स हो जाएगा। बाकी को नहीं चेंज करेंगे, कहाँ पे हम लोग कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, एक सिंगल लाइन नहीं चेंज करना पड़ा। ठीक है, अच्छा,
अब अगर हम एक आवर ग्लास जैसा फिगर बनाना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? आवर ग्लास मतलब हैश ले लेते हैं पहले की तरह, समझ में आई? पहले कितना है? पहले 3 हैश है, एक वो है, फिर 2 हैश है, दो है, एक हैश है, 5 है, फिर ठीक है। यहां से फिगर रिवर्स हुई, रिवर्स भी आ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हमको यहां से यहां तक देखे तो एक सीधा फिगर है, यहां से यहां तक देखे तो फिगर उल्टा है, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने भी सीधा फिगर बनाना भी सीखा, उल्टा बनाना भी सीखा, सिंपली दोनों हम कंबाइन करते थे क्या आपस में, मतलब एक लूप बना है। जब पूरा चीज हम लोगों ने बनाया ना, हम पूरा का पूरा रिपीट कर देंगे। अच्छा देखो, ये यहां से शुरू हुआ लूप हमारा और इस लूप का एंड यहां पे आके हो रहा है, ठीक है। और रन करा दे तो ये प्रॉपर्टी चल भी रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक। अच्छा, मान लो कि यही चीज हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये प्रोग्रामिंग का कॉपी पेस्ट रूल, अगर आपने सेम कोड को 2 बार रिपीट कर दिया आउटपुट भी 2 बार आ जाए, क्या हुआ है? फिगर जो है पहले की तरह आ गया है लेकिन दोनों ही उल्टा आया है। इसको लूप जो चलाया उसको चेंज कर देंगे। हाँ, हमको क्या करने की जरूरत है? हमको ये ऊपर वाले हिस्से में लूप को सीधा कर देने की जरूरत है। तो ये स्टार्टिंग लूप यहाँ दे है, ठीक है। आई कुड डू 1 रन करा दे, यहाँ पे 4 दे दिया, ठीक है। क्या है ये? 2 बार आ गया है, जो फिगर हम लोगों ने बनाया था इसमें ये 2 बार नहीं जाना चाहिए, एक ही बार आना चाहिए। इसको मैनेज करने का 2 तरीका है, या तो आप पहले वाले में से एक कम कर दो, तो एन के बदले हम एन माइनस 1 तक चला देंगे, ठीक है। दूसरा मेथड हमारे पास ये है कि हम नीचे वाले को n माइनस 1 से चला दो, ठीक है। किसी तरफ से एक हमको कम कर देना है, चाहे हम किधर से कम कर, नहीं पहली बार हमने इसको n माइनस 1 से चलाया था, अब तो n माइनस 1 चला दिया था तो भी आ गया था, और दूसरी बार हमने इसको n माइनस 1 से शुरू कर दिया, एन वाला 2 बार रिपीट नहीं हुआ, इसके ये आंसर आ गया, ठीक है। ये दोनों को उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा? ये दोनों को उल्टा कर जाएंगे तो अभी जो बन के आया था ये एक डायमंड फिगर था, और ऐसा करेंगे तो एक ये n माइनस 1 से चल रहा है, इसको हम n कर देते हैं, ऐसा आ गया।
ये आवर ग्लास फिगर है, और ये बीच वाला अगर हम एक कम कर देंगे तो ये इसमें मिडिल वाला रिपीट हो रहा है, इसको हमने टू कर दिया तो एक से कम हो जाएगा। तो ये प्रॉपरली चलिए आवर ग्लास है, डमरू है जो रन करें, वापस आते हैं हमारे ओरिजिनल फिगर पे। मानते हैं कि हमको कुछ ऐसा चाहिए, क्या था 1 1 2 1 2 3 3 4, ठीक है, हमको ये वाला फिगर चाहिए। अब ये वाला फिगर तो शेप तो यही है जो हम लोगों ने पहला वाला बनाया था, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वो वाला शेप निकाल लेंगे, ठीक है। ये निकालना तो इजी है, हम कई बार कर चुके हैं। क्या करना है, ये वाला लुक चलाना ही नहीं है, ठीक है। के को आई तक चला देना है, ठीक। अब इस प्रोग्राम में चेंज कहाँ पे होगा, चेंज यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, वन डालेंगे, ठीक है। अगर हम ये वाले को कंसीडर करें, ठीक है, तो ये तब प्रिंट हो रहा होगा जब आई का वैल्यू 3 है, ठीक है। जब आई का वैल्यू 3 है तो इसका वैल्यू क्या, तो लुक वही 4 बार चलेगा, लुक जो है k इक्वल टू 1 k लेस देन इक्वल टू आई k प्लस प्लस k 3 बार चलेगा। तो अगर हम ऐसा मान ले ये k है और जो आउटपुट है वो है, तो K1 है तो आउटपुट क्या आएगा, 1 ही आना चाहिए। K2 है तो आउटपुट भी 2 है, K3 है तो आउटपुट भी 3 है, K4 है तो आउटपुट भी 4 है। विच मीन्स कि यहाँ पे जो O प्रिंट हो रहा था उसकी जगह अगर हम K प्रिंट कर रहे हैं काम हो जाना चाहिए। अगर शिफ्ट कर देना है तो हम अरे की तरह यहाँ पे स्पेसेस डाल के इसको शिफ्ट कर देंगे, int j equal to 1, j less than equal to n minus i, j plus plus, ठीक है। एक स्पेस रहेगा, एक और फिगर ट्राई करते हैं, ऐसा चाहिए। अब ये पैटर्न अगर देखा जाए तो ये 1 2 3 4 यहां तक एक फिगर वही है जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था, इसके बाद वाला जैसे ये यहाँ पे i का वैल्यू इस केस में i इक्वल टू 1, ये एक बार चला। सेकंड लाइन में अगर हम देखें, हाँ
तो यहाँ पे आई इक्वल टू टू है, तो ये एक तरफ एक से दो तक चला है, और माइनस दूसरी बार ये एक बार चला है। ठीक है, ये अगर हम देखें तो ये आई इक्वल टू थ्री है, तो पहला चला है एक से लेके तीन तक, और दूसरा रिवर्स में गया है दो से लेके एक तक। ठीक है, ये क्या है, इसका जो 4 हो जाएगा आई इक्वल टू चार हो जाएगा, 3 बार चलेगा। ये एक से चार तक चलेगा, और दूसरा जो है तीन से एक तक चलेगा। तो जनरल में हम कह सकते हैं कि ये दिस इज, ठीक है, फ्रॉम वन टू आई, एंड दिस इज फ्रॉम आई माइनस वन टू वन। ठीक है, जो के वाला रूप है उसको हम दो हिस्से में बांट लेंगे, के लेस देन इक्वल टू आई, ये पहले से बना ही हुआ था। इस लूप को हम यहाँ पे रिपीट कर देंगे, के इक्वल टू आई माइनस वन, और के ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड के माइनस माइनस। अब देखो अभी भी अगर हम इसको उल्टा कर दें, उल्टा प्रिंट करेगा पहले सारा कुछ प्रिंट हो जाएगा रिवर्स डायरेक्शन। वापस हमने अंडू कर दिया तो पुराने पैटर्न पे आ गया। एक और पैटर्न ट्राई करते हैं, मानते हैं कि हम लोगों को ऐसा फिगर चाहिए। यहाँ पे क्या है, ध्यान देने है कि यहाँ पे ये एक कैरेक्टर्स का सीक्वेंस है, ASCII कैरेक्टर सेट में तीन मेन सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, पहला क्या है, ए बी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ऐसा करके ये जाता है अब इसे। ये पैटर्न कैसा है, कैरेक्टर ए के ASCII कोड में वन ऐड करेंगे तो बी आएगा, ठीक है, बी में प्लस वन करेंगे तो सी आएगा, इस टाइप से ये चल के जाता है। सेम है एक स्मॉल नंबर्स का सीक्वेंस, अरे स्मॉल लेटर्स का सीक्वेंस है, ये भी ऐसा ही है। स्मॉल लेटर में ए, ए प्लस वन इज बी, बी प्लस वन इज सी, सी प्लस वन इज डी, इस टाइप से करके ये चलता है। नेक्स्ट होता है डिजिट्स का सीरीज, ये भी सेम वे, यहां भी हम कहते हैं कि ये कैरेक्टर जीरो प्लस वन कैरेक्टर वन, वन प्लस वन इज कैरेक्टर टू, ठीक है, टू प्लस वन इज कैरेक्टर थ्री एंड सो नाइन तक जाएंगे, इसके बाद तो नंबर्स कहाँ जाते हैं। तो हमको ये फिगर चाहिए, अब इसको अगर हम ऐसा डिफाइन करें तो ये ऐसा आ जाएगा, इसको हम कह सकते हैं ए प्लस जीरो। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा ए प्लस जीरो, और फिर ए प्लस वन, ठीक है, देन
ए प्लस जीरो, ए प्लस वन, ए प्लस टू, ठीक है, ए प्लस जीरो, ए प्लस वन, ए प्लस टू, ए प्लस टू, ठीक है। अच्छा पहले ये फिगर बना देते हैं। इसमें करेक्टर प्रिंट है, करेक्टर करेक्टर लिखने लगा करेंगे भी। ये फिगर है हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम एक कैरेक्टर वेरिएबल डिफाइन करेंगे, कैर सी एच, ठीक है, वेरिएबल टू नाम हम दे दिया कि कैरेक्टर सिंगल कोट्स में लिखते हैं, ए प्लस, ठीक है, हाँ वो की कर देते। अभी हमको टाइपकास्टिंग के लिए फोर्स करेगा, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर का जो रेंज है वो इंटीजर के रेंज से छोटा होता है। तो सिंस एक इंटीजर को हम कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो हमको टाइपकास्टिंग करने को कहेगा। टाइपकास्टिंग करना इजी है, हम यहाँ पे कैर लिख देंगे और ये पूरी चीज को एक ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने सी एच को प्रिंट करा है। ये ए के बदले बी से शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि के जो है वो वन से स्टार्ट किया गया है, तो या तो हम के को जीरो से स्टार्ट करते हैं आई माइनस वन तक, या तो जो यहाँ पे हम एडअप कर रहे हैं इसमें हम वन माइनस करते हैं, ठीक है। जो इधर का हिस्सा था अगर वो भी चाहिए तो आई एम टी के इक्वल टू आई माइनस वन, के इक्वल टू वन, के माइनस माइनस, फॉर्मूला वही है इसके यहाँ इसके। एक चीज और जान लेने लायक है यहाँ पे, इसमें ये देखो मानते हैं अगर हमको एक उल्टा फिगर चाहिए, अभी जो हम लोगों ने बना है इसका अपोजिट चाहिए, तब क्या करेंगे? अपोजिट मतलब ए बी सी, कैसे बनेगा जो सीक्वेंस था इसको हमको रिवर्स कर देना है, ये आपको अपने से बनाना है, ठीक है।